नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल सवेक सिंह जी के बारे में। वो सवेक सिंह जिनके ट्रेंड किए हुए खाड़कू सिंह टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के सामने इस तरीके से अड़ गए कि लंबे समय तक उनकी एक न चलने दी। तीसरे कलूकार में उनके योगदान के लिए जनरल सवेक सिंह जी को याद किया जाता है, पर इसके पहले भी वो जंग के मैदान में जो इतिहास वो बना चुके थे, जिसका नतीजा हम दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के रूप में देख सकते हैं। 1973 की वो जंग जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ी गई, उस जंग में एक इतिहास बना। इतिहास था फौज का सबसे बड़ा समर्पण। उस लड़ाई में 91,000 पाकिस्तानी फौजियों ने दो सिख जर्नैलों के आगे समर्पण किया और वो दो सिख जर्नैल थे जगजीत सिंह अरोड़ा और जनरल सवेक सिंह जी। बांग्लादेश की जंग में जनरल सवेक सिंह जी का बड़ा रोल था। उनकी जगह पर कई लोगों को ये ऑफर मिला था, पर प्राय मुल्क में खतरनाक ड्यूटी करने के लिए कोई भी तैयार ना हुआ, क्योंकि जब प्राय मुल्क में कोई फौजी पकड़ा जाता है तो उसको शहीद का दर्जा तो दूर, उसका जो अपना देश है वो भी उसको पसंदने में मना कर देता है। तो इस टाइम पर जनरल सवेक सिंह देश के लिए इतने समर्पित थे कि उन्होंने इस काम के लिए, इस रिस्की काम के लिए हाँ बोल दिया और अपने जो मिशन पर चल पड़े। कई महीनों तक वो दुश्मन देश में मुसलमान के बेस में रहे। बागी फौजियों को आज़ादी के संघर्ष के लिए उन्होंने तैयार किया और उनको चुने जाने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि इस जो ऑपरेशन था, ये जो बांग्लादेश की लड़ाई थी, इसमें जो ज़्यादा मोर्चों पर जो लड़ाई थी वो गुरीला वार के रूप में लड़ी जानी थी और जनरल साहब गुरीला वार में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट थे। कई देशों की आर्मी को उन्होंने गुरीला वार की ट्रेनिंग दी थी। बांग्लादेश में पेस बदल कर रहते हुए उन्होंने कई बागी लीडर जैसे जनरल उस्मानी, मेजर जिया और कई औरों को अपने साथ मिला लिया और फौज का नाम मुक्तिबाणी भी जनरल सवेक सिंह जी ने ही रखा था। वर्ल्ड वार टू में वो ब्रिटेन की ओर से जापान के खिलाफ लड़े बर्मा में। बाद की हर एक जंग में उन्होंने हिस्सा लिया। एक बार वो हाजीपीर के इलाके में जंग के मैदान में थे और उसी टाइम पर उनको अपने माताजी का एक टेलीग्राम मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उनके पिताजी नहीं रहे और उनको वापस घर बुलाया जाता है, पर उन्होंने बिना किसी को बताए वो टेलीग्राम अपनी जेब में डाल दिया और दुश्मन को हराने के बाद ही, दुश्मन पर फतेह पाने के बाद ही वो अपने घर वापस गए। जनरल सवेक सिंह जी आखिरी बार अपने पिता का चेहरा ना देख पाए, उन्होंने अपने मुल्क को ज़्यादा अहमियत दी। सवेक सिंह जी आंखें बंद कर कर सरकार के ऑर्डर नहीं मानते थे, जो सही था वो उसी को मानते थे। जब सिविल वर्दी में जो भारतीय फौज ने बांग्लादेशी लोगों पर जुल्म करना शुरू किया, उनको संघर्ष में शामिल होने के लिए उन पर दबाव बनाया, तो उस वक्त जनरल सवेक सिंह जी ने इसका विरोध किया। बांग्लादेश तो आज़ाद हो गया, पर ऐसा कुछ करने के कारण वो सरकार की आंखों में रड़कने लगे। इसी कारण बांग्लादेश की जो जीत थी उसका क्रेडिट जनरल सवेक सिंह को देने की बजाय जनरल अरोड़ा और जनरल सैम को उस टाइम पर दिया गया है। इस जंग के कुछ समय बाद देश की मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनरल साहब को एक और मिशन पर जाने के लिए ऑर्डर दिए, पर जनरल सवेक सिंह जी ने इसको नजायज बताते हुए जाने से इनकार कर दिया। कुछ समय और बीता। सीनियर लिस्ट के हिसाब से फौज के अगले मुखी बनने के दावेदार जनरल सवेक सिंह जी थे, पर सरकार ऐसे जो अहदे होते हैं, ऐसे पद होते हैं, उन पर ऐसे लोगों को ही बिठाना चाहती है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, कोई भी अच्छा या बुरा नतीजा देखे बिना सरकार की हर एक नीति को लागू करें। पर जनरल सवेक सिंह जी जहाँ पर फिट नहीं बैठते थे, क्योंकि वो तो वही काम करते थे जो सही है, तो इसकी वजह से उन्होंने चार्ज देने की था जनरल सवेक सिंह जी को रास्ते से हटाने की साजिश रची। आर्मी में अरबों और खरबों का बहुत फोर्स घोटाला हुआ, राफेल घोटाला हुआ, शहीद फौजियों के कफनों को भी नहीं बख्शा गया, पर इन सब पर कोई भी केस नहीं चलाया गया। पर जनरल सवेक सिंह जी पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने मिलिट्री के एक ट्रक को कम कीमत में खरीदा है। हालांकि इस ट्रक की जो कीमत थी वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि कोई इतना बड़ा अफसर इतनी छोटी कीमत के लिए, छोटी रकम के लिए घोटाला करे, पर उनको तो एक बहाना चाहिए था। और जनरल सवेक सिंह जी पर एक आरोप ये भी लगाया गया कि उन्होंने मिलिट्री के एक जूनियर अफसर से एक चांदी की प्लेट तोहफे में ली है। इन दो आरोपों के आधार पर जनरल की पोस्ट ज्वाइन करने से दो दिन पहले जनरल सवेक सिंह जी का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। हालांकि वो बात अलग है, जब उनकी शहीदी के बाद कोर्ट केस में इसका फैसला हुआ तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जनरल सवेक सिंह इस बात से बड़े निराश होते हैं, सरकार से उनका प्यार भंग हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। जिस देश के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और उनकी सेवा के लिए, उस देश ने उनको ऐसा सिला दिया था। मन में दगेबाजी की पीड़ लिए उनके पैर गुरुघर की तरफ मुड़ जाते हैं
उन्होंने हरिमंदर साहब जाकर मत्था टेका और वहाँ पर उनके जो पूर्वज थे उनके साथ उनका जो प्यार था, जुड़ाव था, वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने कभी उसी धरती पर दुश्मनों को धूल चटाई थी। अगर हम उनके पूर्वजों की बात करें तो अब्दाली के टाइम पर दरबार साहब की पवित्रता को भंग करने वाले, मत्से रंगड़ का सिर काट कर ले जाने वाले दो सूरमे थे, जिनमें से एक का नाम था भाई सुखा सिंह जी और एक का नाम था भाई महताब सिंह जी पंगू। और भाई महताब सिंह जी पंगू के पोतरे थे सरदार रतन सिंह पंगू, जिन्होंने श्री पंथ प्रकाश ग्रंथ ही लिखा है। और इन सूरमे और विद्वानों की कौम में से पांचवी पीढ़ी में भगवान सिंह के परिवार में जन्म लिया जनरल सवेक सिंह जी ने। इनकी माता का नाम बीबी प्रीतम कौर था और पांच बहन भाइयों में ये सबसे बड़े थे, यानी कि जनरल सवेक सिंह जी भाई महताब सिंह पंगू के जो कुल से आते थे, उनके परिवार से आते थे। मुढ़ली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर में दाखिला लिया। उसके बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए। उनकी दलेरी और बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लाहौर कॉलेज में हुए ब्रिटिश आर्मी के ट्रेनिंग ट्रायल को पास कर आर्मी में भर्ती होने वाले वो लाहौर ज़िले के एक ही कैंडिडेट थे। पंजाबी के अलावा वो हिंदी, अंग्रेजी और गोरखालू, बंगला, उर्दू और फारसी भी बोल लेते थे। अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने अपना जीवन सिख कौम के लिए समर्पण करने का फैसला कर लिया। पहले उन्होंने दो तीन मीटिंगें हरचंद सिंह लौंगोवाल से की, पर उनको जल्दी समझ आ गया कि अकाली दल की दौड़ सिर्फ कुर्सी तक ही है। उसके बाद उनकी मुलाकात संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले से होती है। इन दोनों सूरमियों के जो विचार थे वो काफ़ी मिलते थे। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले की सच्ची शख्सियत को देखते हुए, पसंदते हुए उन्होंने संत जरनैल सिंह जी की अगुवाई में इस लाहिर को ज्वाइन कर लिया। उन दिनों में सिखों की तरफ से जेल भरो मूवमेंट चल रही थी और सरकार पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। सारा जो सरकारी ढांचा था उसकी बागडोर एक ही पार्टी के हाथ में थी, वो थी कांग्रेस। लीडरों का शैतानी दिमाग इस दबाव का जो फायदा उठाने की फिराक में था, वो सारे देश में प्रचार करते हैं संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवालों को हिंदुओं का कातिल और देश की अखंडता को खतरा पैदा करने वाला बनाकर पेश किया गया। लोकसभा का इलेक्शन भी आने वाला था, जो सभी पार्टी के लीडर थे उनका टारगेट ये था कि पंजाब को छोड़कर सभी बाकी स्टेट को टारगेट करना। और संत जी के जो समर्थक थे वो इस प्रचार को कोल्ड वार समझ रहे थे, पर जनरल सवेक सिंह जी ने इनकी जो धोखे भरी नीति थी इसको समझ लिया था। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आपको बड़ी जंग के लिए तैयार रहना होगा। तो इसके लिए जो सिंह थे उनको हथियारबंद ट्रेनिंग देनी शुरू की गई। पाठ करने वाले सिंहों को, खेती करने वाले किसानों को जनरल सवेक सिंह जी ने 1.5-2 महीने में इतना ट्रेन कर दिया। जब ये जो ऑपरेशन है वो अंजाम दे दिया जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो जाता है, उसके बाद सरकार एक स्टेटमेंट जारी करती है। उस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमारा इतना नुकसान हुआ है कि इतना नुकसान हमें पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई थी उसमें भी नहीं हुआ था। यानी कि आप देखो कि ऐसे सिंह जो कि 1.5-2 महीनों में जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की थी उन्होंने भारतीय फौज का इतना बड़ा नुकसान किया था। तो आगे वाला जो इतिहास है वो आने वाली जो वीडियोस हैं हम उसमें शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो चैनल का एक मोटिव है कि सिख हिस्ट्री को आगे लेकर आना। जो सिख हिस्ट्री किताबों में पढ़ी है या कि बहुत ही कम लोगों के पास पहुँची है, तो हमारा मोटिव है कि वो आप तक, हमारी कौम के बच्चों तक वो पहुँच सके, पूरे देश तक वो पहुँच सके। तो इसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल जल्दी से ग्रो होगा, जो सिख हिस्ट्री है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। अब आपका भी जहाँ पर फर्ज बन जाता है कि हमारी सपोर्ट करें, और ऐसा और कंटेंट देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। और इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाकर।